पे किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप ये जल्दबाजी में विश्वविद्यालय मत खोले। और जैसा अभी उपनेता जी ने कहा कि आप जोधपुर में छठा विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं, क्या अजमेर ने आपके कोई भैंस मारी है? क्या अजमेर में केवल एक ही विश्वविद्यालय है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय? यानी जोधपुर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बाकी संभाग केंद्र अजमेर में शिक्षक निगरी रहा है, उसमें कहीं दूसरे विश्वविद्यालय की सोचते ही नहीं है। यानी अजमेर में किसी प्रकार का कोई सोच ही नहीं है। यानी उसके साथ इस तरह का दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो, इसमें मेरे को समझ में नहीं आता। इस प्रकार की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि यह केवल एक ढकोसला होगा। और यदि वास्तव में एमबीएम कॉलेज की आप इज्जत करते हो, एमबीएम कॉलेज की रेस्पुटेशन आप चाहते हो पहले यदि बनी रहे, तो कोई तकनीकी यूनिवर्सिटी के रूप में आप उसको दर्जा देते। यानी तकनीकी दृष्टि से इसका नाम की साख है और इसको केवल मल्टी फैकल्टी बना करके और जेएनयू के साथ दोनों बच्चे उतरे होंगे, कहां से नए बच्चे आएंगे? कोई स्पेशलाइजेशन होता है तो ही नए बच्चे बाहर के आते हैं। ये तो जोधपुर के बच्चे जोधपुर के रहेंगे, आधे उधर हो जाएंगे, आधे उधर जाएंगे। केवल मुख्यमंत्री को खुश करना, पता नहीं आप इस पद पर भी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, कितने दिन रहेंगे, इसका मैं नहीं आता। लेकिन केवल अपना पद बचाने के लिए मुख्यमंत्री को आप खुश करो, यह तो कहीं शिक्षा के साथ धोखा है। आपका पद बचे नहीं बचे आपकी पार्टी का विषय है, लेकिन कम से कम उनको खुश करने के लिए हम छठा विश्वविद्यालय वो भी ऐसा खोल रहे हैं जो कि एक मल्टी फैकल्टी का विषय होगा, मल्टी फैकल्टी की जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार के यदि आप खोलेंगे तो मैं समझता हूँ कि यह शिक्षा के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। यदि राजस्थान को आगे ले जाना चाह रहे हैं, जिसके 33 जिले में से 30 जिले केंद्र की उस रिपोर्ट में आप पिछड़े हुए मानते हो, और सरकार इसमें किसी प्रकार का 20,000 पद चाहिए जिसमें से आपके पास कुछ 6,400 सेंशन है।